हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों अभी तक आपने जितने भी वीडियो ऑलरेडी देखे होंगे, तो आपको जो है मतलब कि मैं ये टोपी नहीं पहना हुआ नज़र आया रहूँगा। क्योंकि मालूम है इस टोपी का क्या रीज़न है? मेरे बाल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और मेरे ही नहीं लगभग लगभग मेरे कैंप में जितने भी आदमी हैं और हमारे दूसरे भी भाई लोग जो हैं यहाँ पे कुवैत में हैं, तो मैं उनसे भी कॉल करके पूछा तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। हेयर लॉस मतलब कि बाल बहुत तेज़ी से जो है झड़ रहे हैं। तो मेरे भी बाल हालाँकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और मतलब मैं कुवैत नहीं आया था, तो उससे पहले मैं मतलब कि कैसा था, मेरे बाल कैसे थे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी घना मतलब मेरा बाल था और काफ़ी अच्छा बाल था। लेकिन चूँकि मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा इंडिया से ही मतलब झड़ रहा था, लेकिन मतलब जब से कुवैत आया हूँ तब से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है। तो पता नहीं क्या रीज़न है यार, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हमारे कैंप में काफ़ी भाइयों के जो है बाल झड़े हुए हैं। तो ये टोपी जो है मैं लगाया हूँ इसलिए ताकि जो है मतलब किसी को ये ना दिखे, क्योंकि जब मैं कैंप में अपने अभी मान लो कैंप में हूँ तो अभी फ़िलहाल वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने टोपी लगाया तो कोई कुछ नहीं देख पा रहा। लेकिन हालाँकि अभी ठंडी आई नहीं है, मैं सिर्फ इसको इसलिए लगाया हूँ क्योंकि मेरा जो है टकला जो है ढका रहे, क्योंकि मालूम है जब मैं अगर बिना टोपी के बाहर निकलता हूँ तो जितने भी अपने कैंप वाले बंदे हैं सब टकला टकला करके मुझे बुलाते हैं यार, मुझे चिढ़ाते हैं। तो हालांकि मुझे कोई भी चिढ़ नहीं होता है, क्योंकि भाई जब ऑलरेडी मैं गंजा हो गया हूँ तो फिर टकला बोलने में कोई दिक्कत नहीं, वो लोग टकला बोल रहे बोलने तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि काफ़ी भाइयों के हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वो सब भी जो है मतलब कि इसी चीज़ से परेशान है। तो मैंने सोचा कि यार ये वीडियो जो है बनाता हूँ, हालांकि हेयर लॉस यहाँ पर लगभग लगभग मतलब सभी लोगों का हो रहा है, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनका हेयर लॉस नहीं हो रहा है। नहीं तो मेरा तो मतलब कि इंडिया में था तो थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा मतलब हेयर लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब मेरे पहले के जो भी फ़ोटो वगैरह हैं आप देख सकते हैं, मैं पहले इस तरह से था, बाल वाल था, और अभी मैं आपको टोपी निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ कि मतलब कि अभी कैसा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने बाल जो है अपना छिला दिया है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइड से ही मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं। हालाँकि बहुत से हमारे कैंप में जो आदमी लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ गया है, जो यहाँ से यहाँ तक ऐसा मतलब गया हुआ है। तो हालांकि हेयर लॉस एक एकाएक नहीं होता है, थोड़ा 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 होते होते होता है। तो मेरा भी इसी तरह से हेयर लॉस हुआ है, लेकिन मैं यार हेयर लॉस से परेशान हो गया हूँ। मैंने काफ़ी तेल काफ़ी सारी चीज़ें जो है यूज़ की हुई है, तो बिल्कुल मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद कोई भाई हमारा जो है, अगर कोई भी हमारे भाई जो है अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर उनको इस तरह की कोई भी जानकारी हो तो यार कृपया मुझे जो है कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं कुवैत में हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गल्फ कंट्री में, मुझे लगता है कि सभी जगह पे गल्फ कंट्री में ऐसे है कि मतलब कि हेयर लॉस जिनका थोड़ा थोड़ा होता है गल्फ कंट्री में आने के बाद बहुत ज़्यादा जो है हेयर लॉस होता है। तो अगर कोई भी भाई अगर इस वीडियो को वॉच हमारे कर रहे हैं, अगर उनको पता है अच्छा सोल्यूशन अच्छा ऑयल कोई पता है जिससे कि मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा झड़ा हुआ बाल वापस आ जाए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितने बाल मेरे हैं उतने बाल अगर रुके रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मान लो झड़ा हुआ बाल, तो मुझे नहीं लगता कि झड़ा हुआ बाल वापस आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को मतलब कि अगर पता हो कोई अच्छा तेल या कोई अच्छा शैम्पू या कुछ भी कोई भी मेडिसिन वगैरह अगर पता है, तो इस वीडियो को मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कुवैत में हूँ और मतलब कि यहाँ पर वो मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं इंडिया से मंगा लूँगा। तो आपको जो अगर पता है तो प्लीज़ यार मुझे बताइए, क्योंकि मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से मैं मतलब गंजा हो रहा हूँ, और मेरे साथ वाले भी जितने भी बंदे हैं वो इस मतलब मुझे टकला टकला कह के बुलाते हैं, तो मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं टोपी लगा के इसलिए जो है बना रहा हूँ। हालांकि अभी तक मैं जितना भी वीडियो शूट किया हूँ वो मतलब कि बाल में ही था, हालांकि बाल तभी बड़े बड़े थे, तो यहाँ आया तो मतलब झड़ने लगा, तो मैं इस वजह से मतलब गंजा हो गया, ताकि मतलब कि बाल जब गंजा हो जाते हैं तो क्या छोटा हो जाता है तो उतना बाल नहीं झड़ता है, और तेल वगैरह भी लगाते हैं तो बराबर मतलब स्कैल्प मतलब लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं सोचा कि आप लोगों को जो है बता दूँ, ताकि कोई भी हमारे भाई को अगर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी जो है अपने हेयर लॉस के प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पा सकूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।